क्वेश्चन है और इसका जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं कि जब भी होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको करते हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान देते हैं कि या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, इन तीनों दोनों में से कहीं पर भी हमको किसी टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करने से अगर कोई दूसरा टर्म मिल रहा है तो हम लोग उसी टर्म को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे यहां पर अगर ध्यान देंगे तो tan इनवर्स x लिखा है, tan इनवर्स x को अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स x को अगर हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, सपोज करो इसको t लेट कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम लोग x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट क्या मिलेगा, यहां पर डिफरेंशिएटिंग लिखना था ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, वी गेट tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं d by dx of यहाँ पे tan इनवर्स x equal to इधर भी d by dx of इसका t, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 plus x square, यहाँ पर t का टर्म है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम इसको dt by dx ही रहने देंगे। अब इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां से हमारा जो टर्म दिख रहा है यहां पर, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो टर्म है इसके जगह पर हम डी टी को लिख लेंगे, इसके जगह क्या लिख लेंगे, डी टी लिख लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसका क्या हम उसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो यहां पर e टू द पावर tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर tan इनवर्स x को यहां पर क्या माना है, t माना है, तो tan इनवर्स x को यहां पर हम लोग t लिख लेंगे, ठीक है। और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को dt लिख लेंगे, यहां पर dt लिख लेंगे। अब हमको मालूम है कि e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है, e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहां पर t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की जो वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 19, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, 19 दिया है e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस 1, और यहां इंटीग्रेशन और इसको हम dx लिख लेंगे। इसमें e टू द पावर 2x माइनस 1 और नीचे भी क्या दिया है, e टू द पावर 2x प्लस 1 दिया है।
अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि न्यूमरेटर में x का टर्म मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, पावर फॉर्म में है, e टू द पावर 2x के फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में होता, होल मल्टीप्लाइड बाय कुछ x dx लिखा होता, तो हम जो e टू द पावर 2x लिखे हैं उसको कुछ लेट कर सकते थे या उस टाइप से कुछ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। इसमें करेंगे क्या, ये जो हमारा टर्म है इसमें हम बाई डिवाइडिंग e टू दी पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर हमारे पास ये क्या जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस 1 एंड e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x। न्यूमरेटर में e टू दी पावर x से डिवाइड कर दिया और साथ में e टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x ऐसे कर लिया और यहां पर आ गया dx। यहां पर थोड़ा सा हम लोग को ट्रिक अपनाना पड़ा। रीजन इसका ये है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी टर्म बनेगा उसमें से न्यूमरेटर को अगर हम कुछ लेट करते हैं तो डिनोमिनेटर का टर्म आ जाएगा, या डिनोमिनेटर को लेट करेंगे तो न्यूमरेटर का मिल जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। अब यहां पर इसको जब डिवाइड किया जाएगा e की पावर x से 2x में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, e की पावर x 1 बचेगा, 2x है तो एक बच जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। माइनस 1 में e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन e टू द पावर x आएगा। e की पावर x को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे आ जाएगा e टू द पावर माइनस x। इसी तरीके से यहां पर भी वही काम होगा, e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस का x आएगा और इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहां पर dx लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो टर्म आया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये जो टर्म आया इसमें से अगर हम लोग डिनोमिनेटर को अगर कुछ मानते हैं, t मानते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। इसी तरह से प्लस e की पावर माइनस x का करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x आएगा, यानी हमको न्यूमरेटर का टर्म मिल जाएगा। तो मैंने यही कहा था कि हम लोग डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इन दोनों में से किसी एक को इस तरह से इसको कंसिडर करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं या मानते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाए, दूसरा टर्म मिल जाए। तो हम यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t, इसको t मान लिया। अब फिर इसको बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू जब x इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। और फिर यहां पर माइनस x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन पहले आ गया और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो माइनस 1 लिख दिया, इक्वल टू यहां पर ये dt अपॉन dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये आ गया e टू द पावर x, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस का आएगा, और ये e टू द पावर माइनस x। इस dx को होल टर्म्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx आ गया और यहां पर आ गया dt, यानी e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x dx इक्वल dt लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोग कहां रख लेंगे, यहां पर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहां पर हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx के जगह पर dt लिख लेंगे। तो यहां पर हमने dt लिख लिया और डिवाइडेड बाय ये जो टर्म था ये किसको क्या माना था, e की पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t माना था, यहां पर हम t लिख लेंगे। अब हमें मालूम है कि अगर कहीं पर log
कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा होता है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है, तो वैसे ही यहाँ पर टी है टी, तो इसको हम लिख लेंगे लॉग मॉड ऑफ यहाँ पे टी लिखेंगे और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू यहाँ पर जिसको भी माने हैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा लॉग और टी की वैल्यू यहाँ पर मॉड ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 ही चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। इसमें का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x एंड डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में केवल e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 करके था, तो उसको हम कुछ सिमिलरिटी बनाने के लिए उसको हमने e टू दी पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर दिया था। यहां पर क्या है कि इसमें हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर के टर्म्स e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x को अगर t मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म मिल जाएगा, और अगर हम डिनोमिनेटर के टर्म्स को कुछ मानते हैं तो न्यूमरेटर का मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसमें से चाहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी को भी t मान सकते हैं, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को ही यहाँ पर मान लेते हैं। लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू t, इसको t मान लिया। जब इसको t माना इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x और फिर यहाँ 2x का किया जाएगा तो 2 कांस्टेंट होता है बाहर आ गया x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस e टू दी पावर 2x का माइनस 2x का e टू दी पावर माइनस 2x और फिर जो एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे जो भी x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म होता है वो मल्टीप्लाई में x का x के रेस्पेक्ट में 1। ये हमारे पास किसका आ गया, इस पूरे का किया x के रेस्पेक्ट में तो आ गया। इधर जब करेंगे इधर dt अपॉन dx आ जाएगा क्योंकि हम t को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहां से 2 और यहां से भी 2, यहां से दोनों साइड से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x ये आ गया। इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू आ गया dt। इसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x और ये हो गया dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ये dt अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर जो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx है तो यही टर्म हमको यहां पर मिल गया जो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर का टर्म्स था, और इस होल टर्म के बदले हम लोग dt by 2 लिख लेंगे और e to the power 2x plus e to the power minus 2x के बदले t लिख लेंगे। Therefore यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus e to the power minus 2x divided by e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx equal to क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इस टर्म के बदले e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर dx इसके बदले dt by 2 लिखेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पे dt। नीचे जो टर्म है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे इसको t लेट किया हुआ है यहाँ पे t लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं मालूम है
कि 1/t का क्या होता है, log mod of t होता है और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब वहां से हम t की वैल्यू को रख देंगे, putting the value of t, तो यहां t रखेंगे, देन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 1/2, ये हो जाएगा log mod of t, माने हैं किसको, e to the power 2x plus e to the power minus 2x और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो इस तरीके से हमने इसका भी क्वेश्चन नंबर 20 का भी सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर